हेलो एंड वेलकम टू हुनर टाइम्स, मैं अफसर खान। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आरके फैशन, द फैमिली फैशन जोन एंड न्यू लाइफ इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। आज हुमनाबाद में MLA श्री राजशेखर पाटिल और उनके बेटे यूथ कांग्रेस लीडर श्री अभिषेक पाटिल ने कोरोना की इस महामारी में जो ऑटो ड्राइवर्स परेशान थे, उनकी परेशानियों को देखते हुए ऑटो ड्राइवर्स को राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया। और श्री राहुल गांधी के इस जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और वीरभद्रेश्वर टेम्पल, दरगाह अब्बन साहेब और चर्च के पास प्लांटेशन भी किया गया और साथ ही साथ लोगों को प्लांट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अफरोज जहां और यूथ कांग्रेस लीडर अभिषेक पाटिल, यूथ कांग्रेस लीडर सैयद जफर, यूथ कांग्रेस लीडर सैयद रफी और कांग्रेस के दीगर कार्यकर्ता मौजूद। हेलो एंड वेलकम टू हुमनाबाद टाइम्स, मैं आपका भाई आपका दोस्त अत्तर खान, फिर से एक बार स्वागत है आपके इस चैनल में हुमनाबाद टाइम्स में। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के डॉक्टर अफरोज जहां। तो आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आदाब। आप किस लिए हुमनाबाद को आए? जी, राजशेखर पाटिल सर के जो बेटे हैं अभिषेक पाटिल जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हमारे स्टेट जो प्रेसिडेंट है रक्षा रामैया सर, जो हर तालुके पे हम हमारे यूथ टीम के साथ जो भी पैंडमिक पे वर्क था हम लोगों ने पूरा अच्छी तरह से किया है। तो जो हुमनाबाद में है, यहाँ पर हमारे यहाँ से एक दो ही प्रोग्राम हुए हैं, तो अभिषेक पाटिल जी ने हमको इनवाइट किया था कि आज के प्रोग्राम में हम पूरी यूथ टीम के साथ पार्टिसिपेट हों। दैट्स व्हाई वी हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम। मैडम, कोविड में आपकी तरफ से मतलब अब यूथ कांग्रेस की जानिब से क्या क्या काम किए गए हैं और आगे भी और कुछ काम करने के कुछ बाकी? जी बिल्कुल, नॉट ओनली इन द सीजन ऑफ पैंडमिक, ऑल एवर टाइम वी यूथ टीम आर रेडी टू सर्व फॉर द नेशन। मैडम, क्या काम किए हैं आपकी यूथ कांग्रेस की तरफ? जी, डेली फूड डिस्ट्रीब्यूशन रहा, आइसोलेशन किट डिस्ट्रीब्यूशन रहा, प्लांटेशन रहा हमारी तरफ से, मास्क एंड सैनिटाइजर, नम्मा पुलिस नम्मा है में प्रोग्राम जो है हम हर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल पे हमारी यूथ टीम के साथ किए हैं। मैडम, ये अपोजिशन लीडर जो है हमारे जो पेट्रोल डीजल जो भी आपके जो दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो सीधे सीधे सभी को पता है, एवरी सिटीजन दे आर सभी क्या है, सबको उसका पता है कि क्या हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्राइसेस हाइक किए हैं इतने सारे डीजल एंड पेट्रोल के, नॉट ओनली द पेट्रोल एंड डीजल, दैट ऑल द नेसेसरी थिंग्स द पीपल दैट दे रिक्वायर इन देयर बेसिक नीड्स। मैडम, लास्ट में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब यही दिए हैं, अगर अन्याय आपके साथ हो रहा है तो आप खामोश मत रहिए, आवाज उठाएंगे तो ही हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट हम पे ज्यादती जबरदस्ती, जो हर दिन टैक्सेस के नाम पे, हाँ, और क्या है, जो बढ़ा रेट्स बढ़ रहे हैं हर चीज के, इसीलिए हम लोगों ने भी पेट्रोल डीजल के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं डिफरेंट लेवल्स पे अपनी यूथ टीम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे से बातचीत करने के लिए।